इस संसार में रहते हुए आंधियां आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, दुर्बलताएं आ सकती हैं, पर आपके विश्वास के अंदर आंधी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका जो विश्वास है वो आंधियों को भी रोकने में सामर्थ्य है। बीमारी आती है, चिंता नहीं, बीमारी आपके शरीर में आई, पर बीमारी आपके विश्वास में नहीं आना चाहिए। जिस दिन बीमारी आपके विश्वास के अंदर आएगी वो आपको खत्म कर देगी। इसलिए प्रभु कहता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जिंदा रहेंगे। आमीन। आप धर्मी लोग हो, परमेश्वर अपने लहू से आपको खरीद कर धर्मी बना दिया है। अब आपको जिंदा रहने की गारंटी कहता है कि मैं तुझे धर्मी बनाऊंगा, पर आप धर्मी कैसे रहोगे? विश्वास के द्वारा, विश्वास की दशा को बनाए रखने के द्वारा, विश्वास की स्थिति को अपने परिवार में, अपने सोच और विचारों में, अपने काम धंधों में बनाए रखने के द्वारा, विश्वास के उस असर को, विश्वास के उस प्रभाव को जो वचन से आता है उसे अपनी लाइफ में बना के रखना, उसे सेव रखना, उसे सुरक्षित रखना, उसे बरकरार रखना आपकी जिंदगी को बलवान करता है। क्या बातों को समझ रहे हैं कि ना? आपके बॉडी के अंदर बीमारी आ सकती है, पर आपके विश्वास के अंदर बीमारी नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपके विश्वास के अंदर बीमारी आ गई, आप अपनी जिंदगी में हर खोई हुई, हर प्राप्त चीजें खो देंगे। आप चलने के बजाय गिर जाएंगे, आप आनंद करने के बजाय दुखी हो जाएंगे, आप कुछ प्राप्त करने के बजाय आप में सब कुछ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बीमारी को अपने विश्वास के अंदर ला लिया है। हमारे अंदर भी, हमारे विश्वास के अंदर बीमारी नहीं आनी चाहिए। कि जो विश्वास है वो एक अलौकिक दशा है। बोलिए, क्या है विश्वास? ये शरीर है, ये संसार की देन है, ये मिट्टी की देन है। इसमें समस्या आ सकती है, इसमें दुख आ सकता है, इसमें पीड़ा आ सकती है। ये परमेश्वर का विधान है, इसमें आ सकता है रोग, पर जो विश्वास आया वो आपको परमेश्वर से मिला है। आमीन। और वो विश्वास के अंदर किसी तरीके का रोग नहीं आना चाहिए। अगर आपके विश्वास के अंदर बुराई आता है, आपके विश्वास के अंदर ईर्ष्या आती है, आपके विश्वास के अंदर गुनाह और पाप की इच्छा आती है, आपका विश्वास मर जाता है। और बगैर विश्वास के हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे आत्मिक क्षेत्र में। हमें अपने जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त विश्वास को बहुमूल्य बनाना है। क्या बनाना है? उसे विश्वास आपको दिया गया, पर उसे सार्प कौन बनाएगा, तेज कौन बनाएगा? जो उस विश्वास का सही इस्तेमाल करेगा, जो उस विश्वास के सही इच्छाओं में चलेगा, जो उस विश्वास के सही मर्जी में चलेगा, जो उस विश्वास के उत्तेजनाओं में चलेगा, जो उस विश्वास की तीव्रता में चलेगा, परिणाम उसके घर में हो गए यीशु के नाम है। पति पत्नी थे, मैं गवाहियों को सुन रहा था। एक पत्नी अपने पति के लिए प्रेयर कर रही है, मेरे पर हम पिता, मेरे पति को छुड़ा ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, वो आपकी इच्छाओं को अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रभु, नशा करने के कारण वो अपनी ज़िंदगी में मैं कुछ प्राप्त करती हूँ और वो कुछ खो देते हैं। याद रखो, वो पति लगातार उसका दारू पी रहा था। एक दिन उसके अंदर ये इच्छा आती है कि मैं अब दारू पीता तो हूँ, पर मैं अब दारू को, अब मदिरा को मैं बनाऊँगा, अब बनाकर मैं बेचूंगा भी और मैं पीऊंगा। इस इच्छा से वो इस काम को शुरू कर देता है। उसकी पत्नी मना करती है, आप इस काम को नहीं करें, क्योंकि आप, ये गंदा काम है, आप छोड़ दें, दारू पीना बंद करें। उसने कहा, नहीं, मैं अब दारू पीऊंगा, दारू बेचूंगा, सब कुछ करूंगा। याद रखो, वो व्यक्ति दारू बनाना शुरू किया और वो जल्दी ही एक बड़ा दारू मैन बन गया, मतलब दारू को बेचने वाला व्यक्ति बन गया, एक बड़ा ठेकेदार बन गया। उसकी परिस्थितियां और मिस्टेक होती जा रही थी, उस घर में बहुत सारी समस्याओं का आना शुरू हो गया और बहुत सारी बीमारियों का आना शुरू हो गया। उसकी पत्नी चर्च में आना शुरू की और वो परम पिता से दुआ करना शुरू की, प्रभु मेरे लिए आप दया करिए, मेरे पति के जीवन को बदल दीजिए। वो बहुत ही अब दारू के बड़े व्यापारी बन चुके हैं, उनके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ चुकी हैं, प्रभु मेरे पति को बदल दीजिए। प्रभु के दास ने कहा, आप चिंता मत करो, आप लगातार चर्च के लिए प्रार्थना में आओ, परमेश्वर आपके पति को बदल देंगे। ऐसा करके आश्वासन
उसकी पत्नी को मिलता रहा और वो पत्नी विश्वास के साथ लगातार चर्च आती रही। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी हाथ जोड़ करके घुटने के बल प्रार्थना कर रही थी। उसका पति जल्दी ही उसके कमरे में आया और एक बड़ा कटार लेकर उसके हाथ को काट दिया और कहा, तू प्रार्थना कर दिए। उसके हाथ को काट दिया, उसका हाथ कट गया। उसका हाथ कटने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल में हो गए तो उसका हाथ प्रभु ने जोड़ा, इलाज हुआ और वो किसी तरीके से जुड़ गया। उसी दिन वो पत्नी बोलती है कि आप दारू पीना बंद करो, तब भी बोलती है आप दारू पीना बंद करो, केवल एक दिन के लिए मेरे साथ चर्च में चलो। बोला नहीं जाऊंगा। बोलो चलना, एक दिन के लिए आप चल के देखो, कुछ होना आपके जिंदगी को परमेश्वर आशीष देंगे, आपका नशा छूट जाएगा। मैं नशा नहीं छोड़ूंगा करके उसे डांटता है और उसे फिर से धमकी देता है मारने की और काटने की। पर वो बहुत मनाती है, कहती है चल करके एक बार चर्च में खड़े हो जाइए, परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी बातों को एक बार बोल दीजिए, मेरे प्रभु मैं इस बात को छोड़ना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये गंदगी है, क्या आप निकाल सकते हैं क्या समस्याओं को, इस तरीके से आप प्रार्थना कर दीजिए। बोली बोला मैं नहीं करूँगा। और फिर बहुत मनाने के बावजूद उसका पति मानता है। और जब वो उस प्रेयर मीटिंग में आता है तो पीछे खड़ा होकर के गुस्से में खड़ा हुआ था। उसकी पत्नी बोलती है एक बार तो आप कह दीजिए, हे प्रभु मेरे अंदर आप आ जाइए, मेरे जीवन से जो ये नशा है ये आप ख़त्म कर दीजिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को छू लें, ऐसा करके बोलो। उसने कहा मैं कतई नहीं बोल सकता यीशु से कि मेरे जीवन में आकर आप छू लो। वो वहाँ पर लगभग घंटों झगड़ा किया मीटिंग में, छू नहीं रहा, वो बोल नहीं रहा था, बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि यीशु आज मुझे इस मीटिंग में छुएं और मेरा जीवन बदल जाए, ऐसा करके वो कदापि कहने वाला व्यक्ति नहीं था। परंतु उस मीटिंग में वो गुस्सा हो गया, लड़ाई कर लिया, पर कुछ आजू बाजू के व्यक्तियों को कहने के बाद और थोड़ा सा एक प्रेशर पड़ा कि हाँ बोलना है, उससे बोलता ठीक है मैं केवल एक शब्द कहूँगा, यीशु मेरे जीवन को बदल दे, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। उसने कहा हाँ केवल आप इतना ही बोल देना है। प्रेयर चल रही है, प्रार्थना लास्ट की जब प्रेयर हो रही थी, वो बोलता, वो उसका पति बोलता है हे परम पिता मेरे जीवन को बदल दें। जैसे ही वो ये बात बोलता है कि मेरे जीवन को बदल दें, उसके अंदर दारू पीने वाला एक पौधा, क्या है, दारू पीने वाला एक पेड़ उसके भीतर था। ऐसा लगा कि कोई पेड़ उखाड़ करके उसके हार्ट के अंदर से बाहर कर दिया हो प्रेयर के टाइम। और वो उसी क्षण उसके दारू पीने की इच्छा को परम पिता ने खत्म कर दिया। आप आमीन कह सकते हैं। याद रखो उसी पल से वो पति दारू पीना बंद कर दिया और बोल, अब वो जिसे देखता है दारू पीते हुए उसे बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये लोग कैसे दारू पी रहे हैं। याद रखना कि परमेश्वर आपके लाइफ को सब कुछ कर सकते हैं, पर आप उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए मौका देंगे, वो आप में काम करेंगे। जिस तरीके से एक बड़ा व्यापारी दारू पीने वाला और दारू बेचने वाला बड़ा व्यापारी केवल कहता है यीशु पिता मेरे जीवन को बदल दें, ऐसा कहने मात्र से यीशु आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपकी दशा और दिशा दोनों को बेहतर कर सकते हैं। पर हमें अपनी इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदावन के हाथ में देना होगा, हमें यीशु मसीह की इच्छाओं में अपने आप को दे देना होगा। आमीन कहिए। यीशु के इच्छाओं में हमें अपने आप को दे देना होगा। आमीन बोले। जब आप यीशु की इच्छाओं में अपने आप को देने के लिए तैयार होंगे, वो आपके हर कामों को बेहतर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो आपके जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं वो उससे बेहतर काम कर सकते हैं। आपने कभी स्वप्न में वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं आए उससे बेहतर वो काम आपके लिए कर सकते हैं। वो परमेश्वर हैं जिन्होंने आंधी और तूफान को क्या किया, रोक दिया, जिसने मरे हुए मुर्दों को क्या किया, जिंदा किया, जिसने लंगड़ों को क्या किया, चलाया, जिसने याइर की बेटी जो मर गई थी उसे क्या किया, जिंदा किया। वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं? हमें उसकी इच्छाओं में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। हमारा विश्वास में रोग नहीं आना चाहिए। हमारे शरीरों में रोग आ सकता है, हमारे मन मस्तिष्क में रोग आ जाता है, पर हमारे विश्वास के अंदर रोग नहीं आए। विश्वास के अंदर कौन से रोग आते हैं? शरीर में बहुत सारे रोग हैं, जिसे आपको पता है, वो सारे बहुत सारे रोग शरीर के अंदर आते हैं, हड्डियों में आते हैं, लंग्स में आते हैं, फेफड़ों में आते हैं, तमाम शरीर के अंगों में आ जाते हैं। पर अगर हमारे विश्वास के अंदर रोग आ गया तब हमारा समाधान नहीं होगा, हमारी समस्याओं का समाधान देर होगा, हमारी समस्याओं का समाधान बहुत पीछे होगा,
पर यदि हम अपने विश्वास को कायम रखा, अपने विश्वास को मेंटेन रखा, बगल वाले से बोलो विश्वास को मेंटेन रखना। किसी ने गाड़ी लाया और 5 साल हो गए, अभी भी वो बिल्कुल नया गाड़ी लगता है, उस गाड़ी को उसने क्या रखा? ओ गाड़ी 10 साल का हो गया, लेकिन लग नहीं रहा है 10 साल का, लग रहा है कि केवल 1 साल की गाड़ी है। उसने उस गाड़ी को क्या रखा? मेंटेन रखा। आपको जो चीज परमेश्वर पिता दे रहे हैं वो एक विश्वास की मात्रा है, और जब आप उस विश्वास की मात्रा को मेंटेन रखते हैं, आपकी लाइफ भी मेंटेन होती जाएगी यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।